हेलो जी नमस्ते, मैं पूजा सिंह अनुस्मॉम किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए संतरे का जैम का रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी तरीके से बनाऊंगी, आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा और बहुत ही आसान से आपको कोई झंझट नहीं समझ में आएगा। तो मैंने इससे पहले एप्पल जैम की रेसिपी डाली है, अगर आप एप्पल जैम बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। तो चलिए अब ऑरेंज जैम बनाना शुरू करते हैं। तो जी अभी सर्दियों का समय चल रहा है और सर्दियों में ऐसे भी आपको नारंगी संतरा काफ़ी सस्ती मिल जाएगी और आराम से आप अभी बना के स्टोर कर सकते हैं, ताकि बच्चे आपके घर के आराम से बाहर का नहीं बल्कि होममेड जैम खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका छिलका निकाल लेंगे। तो चलिए इसे छील लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे ऑरेंज को अच्छी तरह से एक एक पीस करके निकाल लिया है। उसमें से जितने भी बीज थे सारे बीज को मैंने निकाल दिया है। मैंने ऑरेंज की क्वांटिटी आपको नहीं बताई है कि मैंने कितना संतरा लिया था। मैंने 1 kg संतरा लिया था जिसमें 6 पीसेस थे। तो सबको मैंने छील लिया है, सबको मैंने पीसेस में निकाल के उसके अंदर के सारे बीज को मैंने बाहर कर दिया है। अब हम ये करेंगे कि इसे हम एक मिक्सर जार में स्मूथली पीस लेंगे, एकदम स्मूथ कर लेना है, एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे मिक्सर में डाल के पीस लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है, अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे ऑरेंज के गुद्दों को पीस लिया है अच्छी तरह से। ये देखिए, एक बात और, अगर आपको लग रहा है कि ये स्मूथ नहीं पिसा हुआ है तो आप किसी छन्नी से भी इसे छान सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे छानने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो तो आप ज़रूर छान लें। तो चलिए अब एक कटोरी से इसे माप कर लेते हैं कि कितनी कटोरी ये है, उसके अनुसार ही हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, इसी पैन में बना रही हूँ जैम। लगभग ये 1.5 कटोरी ऑरेंज का पल्प निकला है। अब इसमें हम चीनी लगभग 1 कटोरी से थोड़ा कम ही डालेंगे, या उससे भी कम कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार मीठा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये देखिए, इधर मैंने जितना मैंने आपको बताया था कि मैंने फुल 1 कटोरी चीनी नहीं लूँगी, इसे मैंने 1/2 कटोरी चीनी लिया है। अब ये चीनी भी हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद गैस ऑन करेंगे और इसे हमें पकाना है, अच्छी तरह से चलाना है। अब हम मीडियम आंच पे इसे हम पकाएंगे, कम से कम 12 से 13 मिनट तो जरूर लगेंगे इसे पकाने में। इसे हमें एकदम थिक कर देना है। तो सबसे पहले हम चीनी को पिघलने देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, चीनी मेल्ट हो रही है, अभी हुई नहीं है। ये देखिए, इसको अभी हमें चलाते रहना है, कम से कम 20 मिनट तो जरूर लग जाएंगे इसको अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट होने में और इसे थिक होने में, बिल्कुल जैम जैसा बनने में। तो ये देखिए, ये लगभग 50% हो गई है। ये देखिए, एकदम गाढ़ी होती जा रही है। मैंने इसमें किसी तरह का कलर का यूज़ नहीं किया है, ये ऑरेंज का अपना नेचुरल कलर है। ये देखिए, अगर आप चाहे तो कलर मिला सकते हैं, लेकिन मैं किसी तरह का कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, ये 50% गाढ़ी हो गई है, बस और 50% एकदम ठीक हो जाए। इसके बाद इसमें हम नींबू ऐड करेंगे।
नींबू ऐड करने से ये होगा, जैसे कि मैंने अपने एप्पल जैम वाले वीडियो में बताया था आपको कि अगर मीठा ज़्यादा होगा तो उससे वो बराबर कर देगा, और दूसरी बात इसमें चीनी जो हमने डाला है वो जमेगा नहीं। तो मैंने इसमें नींबू का रस मैं इसमें डाल चुकी हूँ। मैंने इसमें हाफ नींबू डाला है। मैं नींबू जब मैं डाल रही थी मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी, लेकिन मैंने नींबू इसमें डाल दिया है। बस ये 2 से 3 मिनट में एकदम ठीक हो जाएगी और हमारा जैम रेडी हो जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी जैम एकदम रेडी है। ये देखिए, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो मैं इस तरह, आपको समझ में नहीं आएगा, ये देखिए चम्मच एक बार चेक करके मैं दिखाती हूँ। पहले गैस ऑफ करते हैं और इसे हम चम्मच से चेक करते हैं। ये देखिए, हमारी जैम, ये देखिए जितनी ठंडी होगी अच्छी तरह से जम जाएगी। ये देखिए, तो चलिए इसे ठंडा करके बाउल में डाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ऑरेंज जैम एकदम रेडी है। तो एकदम लगभग 20 से 25 मिनट में हमारी जैम रेडी हो गई है। आप इसे स्टोर करके आराम से लगभग 2 से 3 महीने के लिए बना कर रख लें और आपके बच्चों को बाहर का जैम ना दे, घर में ही। मैंने जैसे एकदम ईजी और आसान तरीके से बनाया, एक बार ज़रूर बना के देखें। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।